सिटी टिड्डी दल आने की सूचना मिलते ही किसानों में अफरा तफरी मच गई। किसान तत्काल विभिन्न सामान लेकर टिड्डियों को भगाने के लिए खेतों की ओर दौड़ पड़े। हालांकि उनके खेतों में पहुंचने से पहले ही टिड्डियों ने खेतों में नरमा मूंगफली और अगेती बोई गई बाजरा ग्वार की फसल के साथ पशुधन के लिए बोया गया हरा चारा सहित विभिन्न फसलों को कहीं पर ज्यादा व कहीं पर हल्का नुकसान पहुँचा दिया। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष परसाराम बुगालिया ने बताया कि कुचामन ब्लॉक में सोमवार को 10 बजे बाद एक बड़ा टिड्डी दल ग्रामीण इलाकों में गांवों के ऊपर करीब 2 घंटे तक टिड्डी सक्रिय रहा। इस दौरान कई गांव में किसानों के खेतों में टिड्डियों ने डेरा डाला, मगर कुछ समय बाद ही किसानों ने खेतों की ओर कूच कर लिया और टिड्डी दल को भगाने के लिए अपने अपने स्तर पर खेतों में थाली तगारी पिपे बजाने और पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए। वहीं कई लोगों ने ट्रैक्टर दौड़ा कर टिड्डी दल को भगाने का प्रयास किया। ब्रिगेड अध्यक्ष परसाराम बुगालिया ने बताया कि टिड्डी दल जब तक नहीं भागा तब तक किसानों द्वारा थाली पिपे तगारी और पटाखे के माध्यम से शोर मचाना जारी रखा। साथ ही ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष मुन्नालाल काछवाल व प्रदेशाध्यक्ष परसाराम बुगालिया ने मीडिया के माध्यम से मांग की है कि प्रशासन द्वारा टिड्डी प्रभावित खेतों में हुए नुकसान का जायजा लिया जाए और हल्का पटवारियों के द्वारा खेतों में हुए नुकसान का सर्वे करवाया जाकर किसानों को नुकसान का उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके। Mm-hmm.